सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग खेल रहे हैं आज आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो गाइस, हम लोग क्या करने वाले, तो गाइस हम लोग आज, तुम लोगों को दिख चुका होगा, मैं आ चुका हूँ सेम बायो में। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एरिया अर्जेंटिविस आई है, तो जाकर पिछला वीडियो जाकर जरूर देखना। मैंने पिछली वीडियो में एरिया अर्जेंटिविस टीम किया था, किसी ने नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर लो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। जाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस एरिया अर्जेंटिविस के लिए एक अच्छा सा नेम, मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगले वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर एक अल्फा रेक्स है यार, फीमेल अल्फा रेक्स 15 लेवल का, पर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब अभी सोच रहा है मैं इससे अर्जेंटिविस से फाइट करूँ इससे, और फिलहाल अभी अपन का मूड नहीं है अर्जेंटिविस से फाइट करने का। अभी करना हुआ चाहता है अपन, अभी नहीं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं अल्फा रेक्स से अर्जेंटिविस की फाइट करा दूँ, क्योंकि अभी तो मूड नहीं है। तो हमें यहाँ पर यार बता दिया क्या, आई थिंक मैंने अभी तो बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मैं गाइस यहाँ पर आया हूँ काबरो चुबरो टेम करने। अभी तक अपन की टेमिंग काबरो चुबरो की एक भी वीडियो नहीं आई चैनल पर, तो सोचा न्यू डायनो टेम कर लेते हैं आज काबरो चुबरो। तो सोचा आप तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कौन सा डायनो और टेम करूँ। और फिलहाल तो अभी आपको क्या करने वाला है, काबरो चुबरो टेम करने वाला है। और तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ यार, न्यू कौन सा डायनो में टेम करूँ यार। तुम लोग मुझे डायनो टेम करने मतलब, तो और ऐसे कई सारे डायनो जो अभी तक मैंने टीम नहीं किया। तो गाइस वैसे डायनो का नाम बता मुझे कमेंट करके, और ये बोलता कोई ऐसा नाम बिल्कुल बताना जैसा मतलब कि वही क्या बोलते हैं उसे, बड़े बड़े डायनो गीगा में अभी टीम कर सकता हूँ सोलो में, और एक बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी गीगा टेम कर सकता हूँ। और या फिर कोई यार कौन से डायनो होते हैं, उस डायनो का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, जो सबसे बड़ा डायनो होता है इसे टेम करना बहुत ही हार्ड होता है यार। उस ऐसे खतरनाक डायनो मत बताना जैसा मैं टेम कर सकूँ, ऐसे डायनो बताना, समझ रहे हो। और ऐसे भी डायनो बताओ जो मेरे काम के हो, मतलब मेरे को जो मतलब सिमिलिंग फेस्ट वगैरह फार्म करने के लिए भी काम आए, तो ऐसे भी डायनो बताओ, क्योंकि मेरे को सच्ची बोल तो मतलब बिना वजह डायनो टेम करने को फायदा नहीं। कोई ऐसे डायनो बताओ जिससे मेरे को मतलब फार्मिंग के लिए भी आसानी हो, और कुछ ऐसे डायनो जिससे मैं इजीली फार्म कर सकूँ, और समझ रहा ना। ऐसे मुझे ऐसे भी डायनो बताओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे लिए भी मदद हो जाएगी और बहुत अच्छी बात है। पर नहीं का तुम लोगों को ऐसे डायनो पसंद है जो गीगा रेक्स वगैरह कुछ ऐसे खतरनाक, तो ऐसे डायनो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वैसे डायनो अगली बार टीम करने का ट्राई करूँगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी सच्ची बोलते अपन काबरू चुबरो ढूंढ रहा है कब से, पर अपन को अभी तक ये भी काबरू चुबरो दिखा नहीं है। तो इधर देख रहे हैं अपन काबरू चुबरो, मतलब इधर से उधर, उधर से उधर, और या बेरोनिक से आई थिंक, हाँ बेरोनिक से है वो। तो अपन यहाँ पर काबरू चुबरो ढूंढ रहे हैं, तो क्या करते हैं काबरू चुबरो मिलने के बाद आप सबसे मिलते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पर काबरू चुबरो तो नहीं मिला अपन, ये एक मिला जो डिओडॉन है आई थिंक, क्या पता नहीं उसका नाम मेरे को क्या था, गलत नाम लिया तो मुझे माफ़ कर देना, कितना वक्त नहीं था उसको पढ़ने का, काफ़ी बड़ा नाम था। और फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर डॉली भंगर वाली है, और यहाँ पर काबरू चुबरू ने मगरमच्छ है, शार्क तुम लोगों की भाषा में शार्क बोलाऊँ, और बैरोनिक्स है ना वो सामने, आई थिंक बैरोनिक्स ही है। तो अभी क्या करते हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर काबरू चुबरू होते ढेर सारे, मिल गया एक काबरू चुबरू, मिल गया ओपी एक काबरू चुबरू मिल गया तुम लोगों भाई को। मैं करने वाला अभी आरजी से अपने काबरू चुबरू उठाने वाला और बेस तक लेके जाने वाला हूँ, और वहाँ पर टीम करने वाला हूँ, समझ रहे हो गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सीधे अपने आरजी से काबरू चुबरू उठा के लेके चला जाओ, इससे क्या होता है कि बहुत ही आसान हो रही थी, होता है कि मतलब वहाँ पर आराम से काबरू चुबरू टेम कर सकता हूँ ना मैं। भाई कौन सा डायनो है, मैंने ऐसा डायनो कभी देखा नहीं यार, उसे मुँह देखो यार, वो अजीब सा था छोटा डायनो, अभी मुझे देखना है वो डायनो कौन सा है, मार दिया क्या, अभी वो डायनो अजीब सा था यार, मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा डायनो यार, अरे उसका मुंह कुछ फटा हुआ पोस्टर के तरह अजीब सा था, लंबा था मुंह उसका मुंह, अरे यहाँ पर काबरू चुबरू था ना, वो किधर गया अरे काबरू चुबरू, वो गाइस काबरू चुबरू फाइव लेवल का नहीं, फाइव लेवल का नहीं चाहिए, अभी कितने लेवल का, फाइव लेवल का यार, और फाइव लेवल का मैंने उठा लिया गलती से, निकल फुट फुट निकल तेरी तो हवा टाइट का, तेरे को हवा मार दूंगा साले, फाइव लेवल के अपन कितने कम लेवल का नहीं चाहिए, अरे 100 के आसपास होना चाहिए यार, मीडियम में खेल रहा हूँ, कुछ इज्जत रखो अपने डायनो की यार। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर ढूंढ रहे है अपन का, अभी नीचे कैसे उतर गया अपन, नीचे कैसे उतर गया यार, काबरू चुबरू के मुँह के अंदर है अपन, काबरू चुबरू अबे 80 लेवल का काबरू चुबरू यार, ओपी ओपी यार ओपी का, ये काबरू चुबरू मांगता आप उनको। तो क्या करने वाला गाइस, अभी मैं इंतजार करने वाला है अपने मुंह से मुझे कब बाहर निकलने वाला था, उसके बाद सीधे आरजी पर बैठूंगा और इसे अपने बेस के ऊपर लेके जाऊंगा। तो अभी क्या करते हैं, इंतजार करेंगे काबरू चुबरू मुझे अपने मुंह से कब निकलता है, साले कब से घुमा रहा है मुंह से, निकाल साले कमीने, निकल निकल, अभी इसे मैं एरो, अभी मैं अपने साथ डार्ट्स भी नहीं लेके आया यार, मैं सोच रहा हूँ बेस पर टीम करने वाला, और इसलिए अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया मैं यार, डार्ट्स नहीं है मेरे पास ना, ये एरोज है नार्कोटिक्स, मतलब मैं खाली पॉकेट ऐसे ही आया हूँ, पॉकेट का कुछ नहीं लेके आया, सिर्फ आरजी लेके आया हूँ कि बेस पर सीधे लेके जाऊँगा यार,
यार ये वो क्या रहा है? अबे उतारना नीचे गाइस, ये कब्र जबर नीचे नहीं उतारता क्या यार? इससे भी अभी सेव होना था मेरा। मैं आर्मर देख रहा हूँ गाइस कितना डैमेज हो रहा है, गलती से मुंह में पकड़ रखा है और आप उनका आर्मर बेवजह डैमेज हो रहा है, ये मेरे को बात चलने लगेगा। फिलहाल आप उनका ज़्यादा आर्मर डैमेज नहीं हो, एक अच्छी बात है। और यहाँ पर एक पास में और एक काबुरची बोले साल मरो कमीना, अब इसे मारूँ क्या मैं? पंच से नॉक करने का आई विल ट्राई करूँगा, मैं पंच से नॉक कर सकता हूँ क्या? मैं पंच से नॉक करने का ट्राई करूँ क्या? एक मैं क्या करने लगा, पंच से नॉक करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर पंच से नॉक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गलती से मर गया तो मुझे पता मत था, क्योंकि बाद में मैं दूसरा ढूंढ लूँगा। फिलहाल तो ये काबरो चुबरो यार पंच से हो जाए नॉक, नॉक हो जाए नॉक, ये मरने वाला है गाइस, मरने वाला है, क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम थी। और ये सालो निकलो यहाँ से, खुट निकल, अभी इसने पकड़ लिया मुँह में, निकल पहली फुर्सत में, तेरे को पंच से मारेगा अपन, वैसे तेरे को टेम नहीं करने का, बिना पंच से मार भी सकता है आराम से अपने। फिलहाल भी पंच से मारने का मज़ा आ रहा है, कुछ अलग सा मज़ा फीलिंग आ रही है कि अपन के पास कैसे लग रहा है, कोई सुपर पावर आ चुकी है। अभी सबसे बोल रहे यहाँ पर कुछ ज़्यादा बस पड़ी हुआ अपन की, अबे आरजी पैसे हुए मेरा, आरजी निकलो यार, सर पैसे हुए तो बंदी की जान ले वो क्या शार को, निकलो मेरे आरजी पास मुझे जान दो सर, आरजी मार रही नहीं साले कभी को, मेरा पैसे हुए बेचारे और तुम लोग उसे बेवजह मार रहे हो। फॉलो हो जा, अबे फॉलो हो जा, अबे फॉलो हो जा, फॉलो 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 फॉलो, एक मिनट यार, नीचे जो होता है मैं वो ओपन ही कर पा रहा हूँ। फॉलो हो जा, फॉलो फॉलो हो जा, आ जा आ जा आ जा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, आ रहा है आ रहा है, शार्को तेरे निकल, फुट फुट शार्को निकले से, अबे निकल अभी यहाँ से, सबसे पहले मैं भागता हूँ यहाँ से, अपना आरजी पीछे अपने आप आ जाएगा, आ जा आरजी अभी आप निकलते यहाँ से, यहाँ पर आप उनको रुकने का नहीं, यहाँ पर मैं क्या करने वाला, ग्रिफिन लेके आने वाला है, सबकी बैंड बजाने वाला, आरजी से भी बैंड बजा सकता है, और मैं अपने साथ डार्क्स और नाकुड़ी सियारो यहीं पर लेके आऊँगा, मैं काबर चुबरे को यहीं पर टेम करने वाला, यहाँ बेस तक लेके जाऊँगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसे उड़ जाते हैं, साला गलती से मुझे उठा लेता है यहाँ पर, इस मारू को शर्को साले, इसकी शर्को किसी की तेजी गुस्सा आ रहा है, आप एक अच्छे लेवल का काबर चुबरे चला गया। पहली बात बोल तो अच्छे लोग काबर चुबरे मिलते नहीं है ऊपर से इस, और यहाँ पर यार तुम लोगों की वजह से काट चले काबुल चबुल चल गया। तो मैं क्या करना, अभी सीधे बेस पर जाने वाला हूँ, और बेस पर जाने के बाद क्या करने वाला हूँ, वहाँ से सीधे ग्रिफिन लेके आने वाला है। तो क्या करते हैं गाइस, अभी बेस पर मैं पहुँचने के बाद आप सभी से मिलता हूँ, और वापस मुदिमा वगैरह सब कुछ लूँगा। पहले अभी क्या करते हैं, सीधे बेस पर पहुँचता हूँ, और सीधे बेस पर पहुँचने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैं बेस के पास पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ मुदिमा वगैरह ले लूँ, तो यहाँ पर मुदिमा किधर है, अब एक मिनट कैसे, एक मिनट अपन ने वैसे सोचा, एक बात भूल गया, डार्ट्स भी लेने यार, डार्ट्स के बिना मैं कैसे जाऊंगा, सॉरी डार्ट्स और एरोज भी ले लेता हूँ, क्योंकि ग्रिफिन लेके जाने वाला, और ग्रिफिन से डार्ट्स मारना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि डार्ट्स को ज़्यादा ही रिलोड कर लेते, तो मैं डार्ट्स नहीं लेके जाने वाला, मैं एरोज लेके जाने वाला, क्योंकि होते हैं ना डार्ट्स को कुछ ज़्यादा रिलोड करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लेता है, डैमेज अच्छा खासा है पर रिलोड करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लेता है अपन। और ये रहा आप उनके स्मूदी बम, तो गैस आप उनके पास स्मूदी बम काफ़ी ज़्यादा कम होने का आया, तो मैं सोच रहा बहुत जल्द अपने स्मूदी बम फार्मिंग की वीडियो डाल दूँ। तो ये सार्जिक तेरे वजह फुट, अरे कितना मतलब ये करता है, आप ओपी अलावा ग्रिफिन लेके जाएगा, अभी ओपी वाला ग्रिफिन अभी तेरे को वहीं पर टेम करके लाएगा, इस तरफ इधर सारा टेलीपोर्ट करेगा सारा। अभी करते हुए मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो गैस मैं यहाँ पर स्वयं वायम में तो पहुँच चुका हूँ, और इधर से कब से ढूंढ रहा है अपन, एक भी काबुर चुबरो आप उनको दिखा नहीं है, तो वापस से पूरा रेडू घूम के अपन यहाँ पर आया वाला है, जहाँ पर से आपने शुरुआत किया था, मैं पूरा रेडू मतलब पूरा गोल घूम के आया होगा ऐसा चीज बोलता हूँ। तो अभी फिर से एक बार क्या करते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, लॉल करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। साला ये भेड़, अभी ये क्या साला मुँह के सामने अचानक से आ गया, तो ये कुछ यार गार को ग्लिचेस फिक्स करो सबसे पहले यार, या फिर मेरे कुछ मैंने ग्राफिक लोड करके रखे लो करके रखे, आई थिंक उसके वजह से लोड नहीं हो रहा, आप मेरे को नहीं मालूम यार, तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना ऐसा कुछ है क्या यार। ये वही डायन होता ना पहले, अरे वो काबर चुप रही है, भूल ही गया था ये काबर चुप रही है, काबर चुप कितने लेवल का है अबे, ग्रिफिन को क्यों मार रहे हो, अपने अपना ग्रिफिन है यार, ओपी यार तेरे लोगों को एक फटके मार देगा, पर अभी मारने का मूड नहीं है, क्योंकि गाइस नीचे काबर चुबरी और ग्रिफिन का एरियस डैमेज है ना कुछ ज़्यादा ही है, तो गलती से उन्हें लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं उनके पास जाने से मुझे डर लग रहा है, और मैं उस दोनों को नॉक कर दूँ क्या, मुझे उन दोनों की लेवल देखनी एक बार यार, लेवल दिख जा एक बार यार, लेवल दिखनी ऐसे क्या कर पा को लेवल दिखाना पंचू ना, उसकी लेवल दिखा रहा है मेरे को, अरे मेरे को उनकी लेवल देखनी है यार, ये एक फटके मर जाएगा क्या ये लो लेवल का लग रहा है, इसकी हेल्थ बहुत कम है यार, सच्ची बोल रहे हैं लो लेवल का लग रहा है मेरे को। आप उन्हें क्या करेगा, दोनों को नॉक करते हैं, जो भी मिलेगा वही सही रहेगा, फिलहाल देखते हैं इनमें से, अभी इन्होंने मारा मुझे, कौन मार रहा है मुझे, ये
चीटियां मार रही है ना मुझे साली, किस तरह से मेरे को डर लग रहा है गई गलती से काबरू चुबरू को ना लग जाए, तो उसके बाद टेमिंग इफेक्ट में प्रॉब्लम आती है। और ये रहा काबरू चुबरू 15 लेवल का, लॉल नहीं आप उनको नहीं मांगता 15 लेवल का काबरू चुबरू। यहाँ पर पीछे काबरू चुबरू, काबरू चुबरू है ना, आई थिंक सो काबरू चुबरू ही है वो, नहीं ये काबरू चुबरू है, वो शार्को है यार, काबरू चुबरू नहीं, ये काबरू चुबरू छोटा काबरू चुबरू होता है वो शार्को है। इस काबरू चुबरू को गिराते हैं, कितने लेवल का दिखते हैं, एक मिनट अभी यार एक जगह पर रुकना, साले बेवजह हर जगह पर घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। यहाँ पर मुझे सॉरी मारने में प्रॉब्लम हो रही है ना, पहले बोल तो ग्रिफिन से मारना बहुत ही मुश्किल होता है, और तू भी इधर से घूम रहा है और तेरे पास भी नहीं आ सकता कहीं मुँह से उठा के, बाद में फिर साला तेरे को मुझे फिर से एक बार मारना पड़ेगा। और फिलहाल बिल मिलते नहीं है काबरू चुबरू, मिल नहीं रहे यार, कब से रेड बॉय घूमता जा रहा हूँ घूमता जा रहा हूँ। सॉरी सारा रुक 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 पट्टे से पड़ा यार पड़ा, ओपी 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 यार हो कैसे कुछ सीख रहा है आप, चलो सीख रहा है सीख रहा है सीख रहा मतलब सीख रहा हूँ अभी मतलब समझ रहा हूँ ना, अभी तो काफी उनके हम इतने अच्छे नेमबाजी नहीं है। अगर नहीं देखा तो जाके मेरा मूसा या फिर ऐसा कुछ ऑटर डायना टेमी के वीडियो देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कैसे मेरे मतलब ये मैं कैसे अपना डायनामिक तरह पट से हेडशॉट लगाता हूँ पानी के अंदर। यार हेडशॉट मतलब एरो मारना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो बता देता हूँ मैं, पानी के अंदर एरो मारना ईजी नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। फिलहाल क्या करने वाले हैं, इस काबरू चुबरू को टपाटप 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 बहुत सारे देने वाला है आपने इस अभी निकल पर। ये ना ये बुडोडो है सॉरी आई थी क्या भाई उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा यार, टेरर बट ये कार नो ये शार्को यार यहाँ पर पूरी पसड़ बचा के हुई है, वो सबको नॉक कर दूँ क्या मेरे को लग रहा है। साला आप उनके ग्रिफिन के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए भाई, ग्रिफिन की पावर जानते नहीं हो क्या तुम लोग, मेरे को सच बताओ यार एक फटके के नहीं हो सच बोल तुम लोग यार, ग्रिफिन से यार डरा करो यार, ग्रिफिन ओपी डायनो यार तुम लोग डरते हैं इस काबर चुबर, तू सबल नहीं कर इसे मारो कि एक मिनट लग जा लग जा लगा 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 पट्टे से लगा ये लग जाते हैं, मैं अभी इसमें मारता हूँ जिसे लगे उसे लगे फर्क नहीं पड़ता अपन को। यहाँ पे इस शार्को को लग रहे हैं मेरे कैसे और इस कारनो को भी मेरे कैसे लग रहे हैं, ये किधर है अपन का जो अभी लग जा इधर, अभी किधर है वो अपन का शार्को और मतलब बैरों अभी क्या यार काबरू चुबरू यार काबरू चुबरू टेप करना है, काबरू चुबरू किधर काबरू चुबरू मुँह दिखा दे अभी उस तरफ है यार, इस तरफ क्यों इस तरफ आना अरे एक जगह पर रुकना बेवजह मतलब टीमिंग में बहुत ग्रिफिन से टीमिंग करना इजी नहीं है गाइस, बहुत ही मतलब मुश्किल। अबे रुक इसके पुश पे मारेगा, अबे रुक एक जगह पर पड़ा पड़ा पट्ट से हेडशॉट पड़ा पिछवाड़े पे पड़ा 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 साले वो पड़ा, अबे रुक 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 नॉक मिले क्या, आई थिंक नॉक हो गया और ये भी कमी ना नॉक हो गया और शार्को अपना ये किधर गया। अपने यहाँ क्या करना होता है यहाँ पर दूर ग्रिफिन को खड़ा करता है, नहीं तो ग्रिफिन उस सब पर अगर एग्रो हो जाएगा तो साला अपना बेवजह मारेगा, हर किसी को मारता रहता है अपन का ग्रिफिन। फिलहाल इस टेरर बर्ड को मार, यहाँ पर कोई खतरनाक है कारनो को मार देता हूँ, निकल निकल पहले फुर्सत में तू निकल, तेरे को क्या लगा अपन को मारना इजी है, अबे अपन के पास अच्छे खासे यहाँ पर डंजन करने वाला आर्मर है यार, और तू तो नत्तुसा है साले नत्तुसा, अभी अपन डंजन कर सकता है क्या समझ रहा है तो ये टेरर बर्ड सॉरी अपन के ग्रिफिन पैसिव है तो कोई भी आके मारेगा उसे, अबे उसका अभी भी मालिक जिंदा है इसके, अभी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा इसके यार मेरे को इसे ग्रिफिन से मारना पड़ेगा शायद इसे। और अभी क्या करते हैं अभी आप इस काबरू चुबरू बेहोश हुआ है ना मैं गलती से मर जा, अभी 110 लेवल का है ओपी यार 110 लेवल का, और अभी क्या करते हैं इसका फुटबॉल खेलने का इंतजार करता है और मैं थोड़ा सा बहुत प्राइमेट इकट्ठा करता हूँ, और प्राइमेट किससे इकट्ठा करो यार ऊपर शार्को पड़ा हुआ है उसे क्यों ना मार दूँ मैं, और इसके अंदर कुछ है यार प्राइमेट्स ये इसके अंदर एक स्टैक से क्या होगा ये इसको मारता हूँ मैं इस शार्को को, इस शार्को से मारते प्राइमेट मिल जाए शार्को से मारको प्राइमेट मिल चुका यार, चार प्राइमेट मिले आई थिंक सो ये आई थिंक मेरे को नहीं चार ही मिले क्या एक बार देख लेता हूँ, मेरे को चार दिखे थे यार नहीं नहीं चार नहीं मिले तीन मिले थे मेरे को लगा चार मिले दो बार मिले ना इसे मेरे को लगा चार नहीं तीन मिले थे एक पहले से पड़ा हुआ था। तो अभी यह करते सबसे पहले से मैं खिला देता हूँ ये स्मूदिंग बाम और उसके बाद ये खिला देते प्राइमेट और ये थोड़ा सा मीट रख लिया अपने पास और अब जल्द से जल्द टेम हो जाए ओपी अपने ओपी बच्चू टेम हो जाना काबरू बच्चू ब्रो बच्चू मेरा बच्चू टेम हो जाए अच्छे से तेरा राम। अबे क्या इसका मुंह अजीब लगा इसके पीछे पिछवाड़ा ऊपर है और मुंह नीचे है, अभी यहाँ पर स्टॉप हो जा अभी अपन तेरे को टेलीपोर्ट करेगा सीधे बेस के पास। तो अभी क्या करते गाइस मैं सीधे बेस के पास पहुँचता हूँ और वहाँ पर उसका सैडल वगैरह बनाने का आप सैडल बना सकता हूँ तो तभी मिलता सैडल बना सकता हूँ उसी वक्त मिलते हैं।
तो क्या करते हैं सीधे अभी बेस पर पहुंचते हैं गाइस, और बेस पर पहुंचने के बाद आपसे मिलना हो मिलता हूँ वहीं पर मिलता हूँ बेस पर। तो गाइस यहाँ पर बेस पर पहुंच चुका हूँ और मैंने काबरू चुबरू को भी टेलीपोर्ट कर दिया, और इस मतलब सोलो में खेल रहा हूँ तो इससे क्या होता है काबरू चुबरू जो टेलीपोर्ट स्पीड होते हो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाते हो सोलो में, काफ़ी ज़्यादा जल्दी डायनो कोई भी होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तो अपन ने ये अपन क्या करने वाले काबरू चुबरू का सैडल यही है क्या, हाँ यही है काबरू, एक मिनट देख लो यार, हाँ यही है काबरू चुबरू का सैडल। तो अपने काबरू चुबरू का सैडल बनाने वाला है, और ये अभी क्या करने वाला है इसके लिए क्या चाहिए क्या कम बता यार, तो बन गया है काबरू चुबरू का सैडल बन गया, ओपी ओपी यार ओपी इन द चैट ओपी, और बन गया ना हाँ बन, हाँ मैंने सोचा मैंने बनाया नहीं मेरे को यार मैंने, लेकिन बन गया ओपी बन गया। अभी क्या करते हैं अभी सबसे पहले चलते हैं और अपने काबरू चुबरू को ये पहनाते हैं, इसका पिछवाड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं है वो मुँह नीचे है साले का, ऊपर एक मिनट पहना दे, और ये पहन लिया काबरू चुबरू ने सल। अभी क्या करते हैं इसका डैमेज वगैरह चेक करता हूँ मैं, इसका डैमेज कुत्ता कैसे, एक मिनट कुत्ता कैसे कुछ वो जंप करना जंप, इसका ये सेकंड सादा सिंपल अटैक है, और ये इसका सेकेंडरी अटैक है, और इसका थर्ड अटैक मेरे को मालूम नहीं, ये पहाड़ ऊपर चढ़ सकता है क्या, नहीं ऊपर नहीं चढ़ सकता, ये सिर्फ कूद सकता है। पानी के अंदर इसकी मूवमेंट स्पीड कितनी है एक बार देख लो मेरे को, पानी के अंदर पानी के अंदर ठीक ठाक है, इतने भी ख़राब नहीं है और इतने भी अच्छी नहीं, जैसे चाहिए मेरे को वैसी तो नहीं है। और पानी का तो जंप तो यूपी करता है यार, जमीन से भी अच्छी ऊंची जलान जंप पानी के अंदर कर रहा है ये, हाँ अबे जमीन से भी अच्छी पानी के अंदर जंप कर रहा है ये, मतलब जमीन पर जंप कर रहा है मेरे से बहुत नहीं मालूम, जमीन से भी अच्छी पानी के अंदर जंप कर रहा है। तो अपनी इस काबर चुबरू के डैमेज ट्रैक पर टेम करते हैं, ट्रैक पर मतलब ये करते हैं अटैक, मतलब निकल निकल तो अभी एक मिनट तेरे को सेकेंड अटैक, साला इससे मर गया ये इससे तो सेकेंड अटैक कोई जरूरत नहीं पड़ी, इस पर मैं सेकेंड अटैक इसमें करूँगा, अभी देखता हूँ इस पर सेकेंड अटैक इसमें करेगा आप, चलो अभी फटके में यार ओपी ओपी यार काफ़ी हेल्थ कम कर रहा है, और इसका डैमेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे को, इसका डैमेज ओपी लगा और इसका का डैमेज आता है, इसलिए काबर चुबरू का अच्छा सा खतरनाक सा एक नाम मुझे कमेंट करके तुम लोग जरूर बता सकते हो। तो यार इसका डैमेज ओपी होती है अच्छा, आपको इसका डैमेज बहुत ओपी लगा, तो गाइस काबर चुबरू के लिए एक अच्छा सा नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओपी सा नाम बताना, ओपी सा फालतू गिरी का नाम मत बताना, तो ओपी सा नाम बताना क्योंकि अच्छा दिख रहा है। इसका इमोट है क्या, ये कुछ भेड़े की तरह ऊ कर रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ। तो गाइस तुम लोगों का आज की वीडियो मुझे सॉरी यार तुम लोगों का आज की वीडियो कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ये इसका से थर्ड अटैक मेरे आई थिंक थर्ड अटैक है इसका, पूछ ला रहा है और बाइट कर रहा है, और दो इसके तीन अटैक से गाइस सच बोल तो अभी मेरे दिखाया वो थर्ड अटैक इसका। और गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और तुम लोगों को नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वो जरूर दबा देना, मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे, बाय बाय।